गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मनीष कुमार तिवारी फ्रॉम द ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स। आज मैं आप लोग के समक्ष एक टॉपिक प्रस्तुत करना चाहता हूं कि गणित में अच्छे मार्क्स को कैसे स्कोर किया जाए, कैसे लाया जाए, किस ढंग से तैयारी की जाए ताकि हमारा गणित या मैथमेटिक्स में बेहतरीन मार्क्स आए। तो चलते हैं इन्हीं बातों पर कि क्या प्रयास करेंगे कि मैथ में बेहतर मार्क्स लाएंगे। आज का शीर्षक होगा गणित में अच्छे अंक लाने का हिट फॉर्मूला। गणित के नाम से अक्सर छात्रों में डर की स्थिति देखने को मिलती है। इस प्रकार के रवैये के शिकार ऐसा नहीं कि केवल भारतीय छात्र ही हैं, बल्कि देश विदेश में कामोवेश यही मनोदशा देखी जा सकती है। यही कारण है कि 10वीं या 12वीं या अन्य परीक्षाओं में बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी गणित के बदले अन्य वैकल्पिक विषयों का चुनाव कर आगे पढ़ाई करना पसंद करते हैं, जो कि युक्ति संगत नहीं है, अच्छी बात नहीं है। इस विचार में हम लोगों को परिवर्तन करना होगा। बोर्ड के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी या बीटीबीसी के टेक्स्ट बुक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए गणित में भी प्रत्येक प्रश्न का हल करें और हल्के प्रश्नों के साथ साथ कठिन प्रश्नों को भी बिना देखे हल करने का बार बार प्रयास करें। इससे आपको यह फायदा होगा कि कठिन प्रश्न भी अभ्यास करने से आसान लगने लगेगा और आपको गणित पढ़ने में भी मन लगेगा। बार बार अभ्यास करते रहने से गलतियाँ कम होने के साथ साथ दिए गए समय में संपूर्ण प्रश्न पत्र आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ में हल किए जाने की संभावना या उम्मीद बढ़ती जाती हैं। यानी अन्य विषयों के भांति गणित के विभिन्न पाठों के प्रश्नों के मान पहले से बोर्ड द्वारा तय कर दिए जाते हैं। प्रत्येक पाठ के मान के अनुसार समय का निर्धारण करें और उसे अच्छे ढंग से पूरा करें। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट या साफ प्रतीत होता है कि गणित ही एक ऐसा इकलौता विषय है जिसमें 100% 100 अंक लाने से कुल प्राप्तांक में उछाल लाया जा सकता है या मार्क्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। गणित में कुछ साधारण परंतु सरल टिप्स की जानकारी नीचे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनके बदौलत परीक्षा में काफ़ी आसानी से अंकों को प्राप्त किया जा सकता है। गणित विषय की पढ़ाई कभी भी पुस्तक पढ़ने के रूप में करने की भूल नहीं करनी चाहिए। नोटबुक या टेक्स्ट बुक में प्रश्नों का जो क्रम होता है उनके साथ हल सही और निर्धारित समय के अनुसार पूरे मन से लिख कर और समझ कर करना चाहिए। जानते हैं इनके बारे में। फर्स्ट टिप्स है आपका, रोजाना कुछ निश्चित समय गणित के अभ्यास करने के लिए निकालना चाहिए। इसका फायदा ज़्यादा तेज़ी से सही और सटीक तरीके से सवाल बनाने के तौर पर भी मिलता है। यह तेज़ी बाद में परीक्षा भवन में काफ़ी उपयोगी सिद्ध होता है और अत्यधिक अंक बटोरने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा टिप्स है आपका, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि बोर्ड की परीक्षा में एनसीईआरटी या बीटीबीसी के टेक्स्ट बुक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसलिए गणित में भी प्रत्येक प्रश्न को हल करें और बिना नकल के हुए हल किए हुए कॉपी को बिना देखे हुए प्रश्नों को अपने आप हल करने का अभ्यास करें और अवश्य करें। बार बार करते रहने से गलतियां कम होने के साथ साथ दिए गए समय में संपूर्ण प्रश्न पत्र कॉन्फिडेंस के साथ में आत्मविश्वास के साथ में हल्का हो जाने की संभावना बढ़ते जाती है, क्योंकि हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं। टिप्स नंबर तीसरा है, अन्य विषयों की भांति गणित के विभिन्न अध्यायों के प्रश्नों के मान पहले से बोर्ड द्वारा तय कर दिए जाते हैं। तय करते समय प्रत्येक पाठ या खंड के मान के अनुसार समय का निर्धारित करें, कितना समय में मेरे को बनाना है। जाहिर है कि अधिक मान वाले खंडों पर पहले पकड़ बनाने का प्रयास करें ताकि वो आसान हो जाए, और आसान तो आसान होगा ही।
टिप्स नंबर 4 है आपका, अब अंतिम समय में ऐसे पाठ से दूर रहना ही ज़्यादा बेहतर होगा जो आपकी समझ से एकदम बाहर है। हालांकि संबंधित अध्यापक से मदद लेकर अंतिम प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। यदि आप टीचर से अपनी समस्याओं को भुनाते हैं, बताते हैं, तो हो सकता है कि वो आपको बताएं किस ढंग से आप पढ़ेंगे ताकि आपकी समस्याएं दूर हो सकती हैं, आपका डर दूर हो सकता है, क्योंकि सभी बिंदुओं पर अभ्यास करना जरूरी है। टिप्स नंबर 5 है, एनसीईआरटी या बीटीबीसी के टेक्स्ट बुक को ख़त्म करने के बाद ही सिंपल पेपर्स की शुरुआत करनी चाहिए। ईमानदारी से 2-3 घंटे के समय में कई सिंपल पेपर्स करना ज़्यादा अंक पाने का एक अच्छा तरीका है या संसाधन है जो आपके लिए अच्छा साबित होगा। 6th टिप्स है मेरे ओर से आपके लिए, अभ्यास एवं परीक्षा हॉल में भी गणित का रफ वर्क साथ साथ करें, उसी पेज पर लाइन डालकर करना चाहिए। यह जान लीजिए कि परीक्षक की नज़र जो होती है हर तरह के कार्य पर अवश्य जाती है और उसी के अनुसार आपका अंक निर्धारण किया जाता है। 7th टिप्स है आपका, गणित में महज सही उत्तर लिखने भर से पूरे अंक नहीं मिल जाते हैं। प्रश्न के हल करने में समस्त निर्धारित स्टेप्स का होना भी बहुत जरूरी है। इसमें आलस करने की कीमत आपको अंकों की कटौती के रूप में झेलनी पड़ सकती है, अतः आप सतर्क रहें और रफ वहीं पर करें, बगल में लाइन खींच दें और वहाँ पर करें। जो टीचर देखेगा तो हो सकता है कि 1-2 अंक कम भी पड़े तो जोर के ज़्यादा कर दें। 8th टिप्स है आपका, प्रश्न लिखने प्रत्येक स्टेप्स निर्धारित करने से लेकर अंतिम उत्तर लिखने तक प्लस माइनस दशमलव तथा यूनिट्स के बारे में अतिरिक्त सतर्कता बरतें। जरा सी चूक या गलती संपूर्ण प्रश्न के अंकों को शून्य में बदलने के लिए पर्याप्त होगा या अधिक होगा या ज़्यादा होगा। टिप्स नंबर 9 है आपका, काट छाट या दोबारा से ओवरराइटिंग के रूप में लिखने से पूरी तरीके से बचें। इस क्रम में आप स्वयं भी अंक के बारे में भ्रमित हो सकते हैं और अनजाने में गलतियां कर सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर पंक्ति या स्टेप्स को एक बार काटें और अगली पंक्ति में साफ साफ लिखना ज़्यादा आपके लिए ठीक रहेगा, अतः इस टेक्निक का इस्तेमाल करें। टिप्स नंबर 10 है, गणित में फॉर्मूला का बड़ा महत्व है, इसलिए उत्तर लिखने से पहले अगर कोई फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले एक बार इसे ज़रूर लिखें। बिना जिक्र किए सीधे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना परीक्षक के लिए उलझन को पैदा कर सकता है और यह आपके अंकों के लिए नुकसानदेह है। हो सकता है कि जो टीचर आपकी कॉपी को जांच कर रहे हैं वो आपका मार्क्स काट लें, जिसके कारण आपका डिवीजन या ग्रेड घट सकता है। टिप्स नंबर 11 होगा आपके लिए, परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र पढ़ते समय इस बात से बिल्कुल नहीं घबराएं कि आपको कई प्रश्न कठिन दिख रहे हैं। पहले आराम से आसान प्रश्नों को हल करें, इसके बाद कठिन प्रश्नों को हल करने का शुरुआत करें। इस दौरान आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाएंगे। टिप्स नंबर 12 है, कठिन प्रश्नों का दरमियान या अंतराल तनाव परीक्षा हॉल में लगातार अपने ऊपर हावी न होने दें। मतलब है कि अन्य प्रश्नों पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। हर हाल में आपको तनाव की स्थिति से स्वयं को बचाना है ताकि आप बेहतर परीक्षा को दे सकें और अधिक से अधिक मार्क्स को स्कोर कर पाएं। 13th टिप्स है आपका, ज्यामिति में प्रश्नों को पढ़ने के बाद दिए गए चित्र को भली भांति समझें व फिर लिखने की शुरुआत करें, बार बार बनाएं। 14th और लास्ट टिप्स है आपका, रटने की कला इस विषय में बिल्कुल इस्तेमाल न करें। प्रश्नों को भली भांति समझने के बाद ही उत्तर के बारे में सोचने की शुरुआत करें। बस इतना छोटा सा फॉर्मूला है, इसे अपनाकर आप इस विषय में बेहतरीन अंकों को जुटा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ बिंदु है जो आप आगे जानेंगे, जानते हैं इसके बारे में क्या है वो टिप्स।
इन सभी के बावजूद आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई का जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी के नाम से जाना जाता है, जबकि बिहार बोर्ड का जो पाठ्यक्रम है या पैटर्न है वो बीटीबीसी के नाम से जाना जाता है। हालांकि अब सभी लोग इसे एनसीईआरटी के नाम से ही जानते हैं और उनके किताबों को हम लोग टेक्स्ट बुक कहते हैं। ये दोनों में जरा सा अंतर है। बिहार बोर्ड में आपका जो सिलेबस है एग्ज़ाम का या पैटर्न है या क्रिटेरिया है वो आपका एनसीईआरटी पे आधारित। अधिक होता है, जबकि यही पैटर्न या सिलेबस या क्रिटेरिया सीबीएसई वाले स्टूडेंट पर जब लागू होता है तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन कम आता है, जबकि साइड बुक वाले बुक से आपको ज़्यादा आता है। जैसे इसके लिए प्रिपरेशन मेथड आपको होता है आरएस अग्रवाल से या विद्यासागर से या आरडी शर्मा से। इसके अलावा उसके लिए एक बेहतरीन छोटा सा पैटर्न दिसंबर के माह में वर्कशीट के रूप में या रिवीजन नोट्स के रूप में ओसवाल का आता है। मैं आपको प्रीफर करूंगा, यदि आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो ओसवाल का सेट्स का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा करें। और बाकी अगले टाइम में जितना मेरे से बन पाएगा मैं ज़रूर गाइडलाइन करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। मैं हर एक वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना लिंक देता हूँ, आप वहाँ पर जाएँ, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ें, मेरे ट्विटर पर भी ये बात कर सकते हैं। तब तक के लिए।